हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स। व्हाट इज ऑपरेटर्स एंड हाउ इट इज वर्क। ऑपरेटर्स कैन बी डिफाइंड एज द सिंबल दैट हेल्प अस टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल, रिलेशनल, बिटवाइज, कंडीशनल और लॉजिकल कंप्यूटेशन ऑन डिपेंड्स। ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज। वेरिएबल एंड वैल्यूज पे हम परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्लस इज ऑपरेटर यूज फॉर एडिशन। सोने प्लस हमारा ऑपरेटर है, ए एंड बी ऑपरेंड्स हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, देर आर फाइव टाइप: अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज एंड असाइनमेंट। हाउ इट वर्क: ऑपरेटर्स यूनरी ऑपरेटर्स और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस एंड रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल, नॉट इज इक्वल। लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट प्लस इज इक्वल, माइनस इज इक्वल, एंड टर्नरी एंड कंडीशनल ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। एडिशन, एड्स टूगेदर टू वैल्यू, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट्स वन वैल्यू फ्रॉम अनदर वैल्यू, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाइज टू वैल्यूज, डिवीजन, डिवाइड्स वन वैल्यू बाय अनदर, मॉड्यूल्स, इंक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट। यूनरी ऑपरेटर में हम इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट करते हैं और बाइनरी ऑपरेटर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज फॉर द कंपेरिजन ऑफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंट्स। दो ऑपरेंट्स के वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। इज इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन है कि नहीं। लॉजिकल ऑपरेटर, इट इज़ यूज फॉर टू ट्रू और फॉल्स वैल्यूज विथ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल और वैल्यूज। एंड रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू और लॉजिकल ऑपरेटर्स दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी, स्टेटमेंट ट्रू होंगी देन प्रिंट ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड्स। द ऑपरेटर्स आर द फर्स्ट कन्वर्टेड टू बिट लेवल एंड देन द कैलकुलेशन इज परफॉर्म ऑन द ऑपरेंड। वी विल ट्राई शो ऑफ एग्जाम्पल असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन सी। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। द लेफ्ट साइड ऑपरेंड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ वेरिएबल एंड द राइट साइड ऑपरेंड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ वैल्यू। द वैल्यू ऑन द राइट साइड मस्ट बी ऑफ सेम डेटा टाइप एज द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड, अदरवाइज द कंपाइलर विल रेज एन एरर। इसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ऑपरेटर्स को। यहाँ पे मैंने सारे ऑपरेटर्स को टाइप करके रखा है और हम एक एक ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे हम देखेंगे। हमारा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। हमने दो वैल्यूज लिए हैं, ए एंड बी। ये एन टाइप की वैल्यू है। हमने यहाँ पे ए प्लस बी कराया, दो वैल्यू को हम एडिशन करा रहे हैं। ए प्लस बी हमने इसी में स्कैनएफ भी कर लिया। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन,
डिवीजन ए प्लस बी, जब हम लॉजिकल सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में एडिशन का यूज करेंगे तो जो प्रिंट होगा वो दो वैल्यू को ऐड कर दिया जाएगा, 10 प्लस 5 15, सब्ट्रैक्शन में वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, मल्टीप्लिकेशन डिविजनल मॉड्यूल, इसे अब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हटा देते हैं। फर्स्ट प्रिंट ए एंड देन इंक्रीमेंट इट वाई, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जो है हमारे यूनरी ऑपरेटर्स हैं। यूनरी ऑपरेटर्स में हम बेसिकली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए रन करते हैं गेम। ए प्लस प्लस अगर हम करेंगे तो ए की वैल्यू 10 है, एंड अगर हम माइनस माइनस करेंगे यहाँ पे पहले वैल्यू प्रिंट होगी फिर इंक्रीमेंट होगा, ये वैल्यू प्रिंट हो गई। देन सेकेंड है फर्स्ट प्रिंट ए देन प्लस 1 एंड देन डिक्रीज, ए प्रिंट हुआ प्लस 1 हो गया 11। सेकेंड इंक्रीमेंट ए बाय ए प्लस 1 एंड देन प्रिंट द वैल्यू, ए 10 प्लस 1 11 प्रिंट हो गया। देन ए प्लस 1 एंड देन प्रिंट डिक्रीमेंट होगा तो ए 10 हो गया। ये यूनिटी ऑपरेटर है। अब हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल ए इज इक्वल 3 कैरेक्टर एन डी। कंपेरिजन का ऑपरेटर्स कंपेयर करने की यूज में किया जाता है। सपोज प्रिंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल बी, ए के बराबर बी की वैल्यू है या नहीं, हम रन करते हैं, 0 आ गया। अगर फॉल्स होगा तो 0 आएगा और ट्रू होगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 0। देन ग्रेटर देन इज इक्वल ट्रू, लेस देन फॉल्स, देन ए ग्रेटर देन बी सॉरी ग्रेटर देन बी ट्रू, ए लेस देन बी फॉल्स, ये हमारा होगा कंपैरिजन। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम लॉजिक ऑपरेटर्स में लॉजिक यूज करते हैं। ए इज इक्वल बी एंड ए ग्रेटर देन बी आ देते हैं। और हम इसे रन करते हैं। अब ओनली हमें ऑपरेटर देखेंगे ए इज इक्वल एंड ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है कि जो दोनों स्टेटमेंट हैं ए बी के बराबर होना चाहिए एंड ए ग्रेटर देन बी। अभी हम यहाँ इसको अगर हम 5 करते हैं और रन करते हैं तो ये ट्रू हो जाएगा, सॉरी, और बी को वैल्यू को बड़ा करते हैं एंड रन करते हैं।
ओके इसमें दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, तो नहीं हो रही देन प्रिंट फॉल्स। ए इज इक्वल वी नॉट ए ग्रेटर देन बी, नहीं तो ए इज इक्वल बी हो, नहीं तो ए बी से बड़ा हो, रन करेंगे ट्रू वैल्यू देन, सॉरी दिस इज और वैल्यू, ए बड़ा ए बी के बराबर हो या बड़ा हो, और दिस इज एंड वैल्यू देन नॉट ए इज इक्वल बी, नहीं हो। नाउ एंड रन, अब सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गई क्योंकि और जो है यहाँ दोनों स्टेटमेंट ही वर्क नहीं कर रही, ए बी के बराबर हो या ए बी से बड़ा हो, तो बी यहाँ पे छोटा हो गया जिसके कारण फॉल्स हो गई, नॉट ऑपरेटर, ना ही ये बराबर हो और ना ही बड़ा हो, ऑपरेटर्स। तो हमारा जो ऑपरेटर्स है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंट्रोल फ्लो, इफ एल्स, लूप्स कितने प्रकार के होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।